Panshop Oral Association of India ke President, General Secretary aur tamam umedwaron aur zimmedaron ka tamam ka yahan par Darussalam aane ke liye aapka shukriya aapka shukriya ada karta hoon aur main aapke paas ye batana chahta hoon ki is काम के सिलसिले में गर्दे से बैर हटाने के लिए पिछले एक साल से हम लोग दो ढाई साल से हम लोग बाजाबता कोशिश कर रहे हैं. आपकी तमाम जिम्मेदार इस बात से वाकिफ है, सभी साहब जेल साहब सब वाकिफ है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हम ऐसा लगता है कि कामयाबी मिलेगी पर है मदद से वो काम नहीं हो रहा है. जैसा भी बात के लिए बिल्कुल सही है और हमारी पार्टी का भी मौका यही है कि जर्दे से बैन करना चाहिए क्योंकि जर्दे में और गुटके में बहुत ज्यादा फर्क है और गुटके से बैन हटाने की हम बात नहीं कर रहे. जब हमारी दो तीन मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस बात से एग्री हुए, मुतफिक हुए भाई बगैर जर्दे के पान को खाएगा, हर आदमी जर्दा खाता है पान कैसा चलेगा. और मैं अपनी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात जो हुई थी इस मसले में कम से कम दो तीन मरतबा में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया और यही जो रिप्रेजेंटेशन मेजर बनाया गया था उसी को चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले किया था, जिसमें हमने इस बात को रखा कि सबसे पहले ही जर्दा और गुटके में फर्क है, हम गुटके से बैन कराने की तरकीब बात नहीं कर रहे. दूसरा ये कि जर्दा तेलंगाना के अतराफ के पड़ोसी रियासतों में वहां पर बैन नहीं है और ये बात बिल्कुल सही है कि यहां पर बैन होने से रियासती हुकूमत को टैक्सेस में बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है. और तीसरी बात यह है कि जैसा कि यहाँ पर बात कही गई कि कम से कम 0% निकोटाइन रहता और गैर जरूरी ना कि पुलिस को ये चीज़ का जियो का सही इम्प्लीमेंटेशन कर सक रही. ये ऐसा हो गया कि पढ़ रहे नहीं क्या लेने का जो है दुकान में से लेके चलो. इससे क्या है, इससे ताल्लुक जो हज़ारों लोग लाखों लोग कारोबार से मुतासिर हो रहे हैं और इससे बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाला है. और ये बात हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल चुके, अनेक्स बिल्डिंग में सब कमेटी थी, मनीष लाल गांधी साहब MP थे, वहाँ पर भी ये रिप्रेजेंटेशन दी गई और अजय कुमार झा जी थे अभी जो हेल्थ चीफ सेक्रेट एडवाइज़र है उनको भी ये बात बोले. हम एक हर बात वही बोलते जा रहे हैं लेकिन किसी को ना सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात सुन रही ना स्टेट गवर्नमेंट ये बात सुन रही. भाई गुटके के नाम पे हरासमेंट है खुला और कुछ भी नहीं है. तो पका आपका इरी बाजार में जी जी ठीक है साहब, जो लड़ते गुटके के नाम पे जो हरासमेंट हो रहा पान मसाला रजनीगंधा वगैरह वगैरह जो चीज़ें लेके चले जा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो भी कोई ना कोई चीज़ आइटम लेके चले जा रहे हो. हम लोग जो है छोटे व्यापारी है, एक डब्बे के ऊपर चार आदमी काम करते, उनकी फैमिली के मेंबर्स जो है साहब 5-6 आदमी रहते, टोटली 10-15 आदमी का उसमें गुजारा होता, पर उससे मुतासर हो जा रहे हैं वो लोग. कि हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो इस तरह की हरकतें होती हैं जो हमारे साथ उसके ऊपर कुछ काम किया. चुविन तम्बाकू जो पान में डालने का जर्रा है वो बैन नहीं है, हम जो है वो जमा करके रखते हैं पर वो जो बार बार आके वो भी लेके जा रहे हैं तो हमारा जो है पैसा अटक जा रहा है और यहाँ पे हम फाइनेंस से पैसा लेके आ रहे हैं. हम जब जो है डीलरों को कर्जा बाकी रहे और होलसेल वालों को हम कर्जा बाकी रह जा रहे हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है साहब उसके लिए.